पिछले दिनों बिहार में महागठबंधन सरकार से संतोष मांझी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के दो दिन बाद ही उनकी जगह दूसरे दलित नेता रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया। जिस तरह से आनन फानन में हाई प्रोफाइल घटनाक्रम हुआ, उसने सियासी गलियारों में कई तरह की उत्सुकता पैदा कर दी। जितने मुंह उतनी बातें। फिर जेडीयू के एक सीनियर नेता ने दावा किया कि संतोष मांझी तो वैसे भी 23 जून को इस्तीफा देने वाले थे। प्लान यह था कि इस्तीफा देकर उसी दिन वह एनडीए का हिस्सा बन जाते। इसके लिए मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क भी किया गया था। जेडीयू नेताओं ने दावा किया कि हालात पहले ही भाप कर उनके इस ऑपरेशन को विफल कर दिया गया। दरअसल उसी दिन यानी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख भाग ले रहे हैं। ऐसे में अगर उस दिन यह सारा घटनाक्रम होता तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को भी झटका लग सकता था। हालांकि अभी भी पार्टी के नेता पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और कुछ आशंकित भी हैं। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी ने सोमवार को महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। राज्यपाल को इस संबंध में पत्र भी सौंप दिया। वहीं दिल्ली में जीतनराम मांझी की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। माना जा रहा है कि मांझी अब एनडीए के साथ जा सकते हैं। इस संबंध में क्या फाइनल डील होगी, ये तो दिग्गज बीजेपी नेता शाह से हम संस्थापक की मीटिंग के बाद तय होगा। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार कोशिश में जुटे हैं। 23 जून को पटना में बैठक है, इससे पहले ही बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं। पिछले दिनों बिहार में महागठबंधन सरकार से संतोष मांझी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के दो दिन बाद ही उनकी जगह दूसरे दलित नेता रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया। जिस तरह से आनन फानन में हाई प्रोफाइल घटनाक्रम हुआ, उसने सियासी गलियारों में कई तरह की उत्सुकता पैदा कर दी। जितने मुंह उतनी बातें। फिर जेडीयू के एक सीनियर नेता ने दावा किया कि संतोष मांझी तो वैसे भी 23 जून को इस्तीफा देने वाले थे। प्लान यह था कि इस्तीफा देकर उसी दिन वह एनडीए का हिस्सा बन जाते। इसके लिए मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क भी किया गया था। जेडीयू नेताओं ने दावा किया कि हालात पहले ही भाप कर उनके इस ऑपरेशन को विफल कर दिया गया। दरअसल उसी दिन यानी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख भाग ले रहे हैं। ऐसे में अगर उस दिन यह सारा घटनाक्रम होता तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग को भी झटका लग सकता था। हालांकि अभी भी पार्टी के नेता पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं और कुछ आशंकित भी हैं। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी ने सोमवार को महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। राज्यपाल को इस संबंध में पत्र भी सौंप दिया। वहीं दिल्ली में जीतनराम मांझी की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। माना जा रहा है कि मांझी अब एनडीए के साथ जा सकते हैं। इस संबंध में क्या फाइनल डील होगी, ये तो दिग्गज बीजेपी नेता शाह से हम संस्थापक की मीटिंग के बाद तय होगा। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार कोशिश में जुटे हैं। 23 जून को पटना में बैठक है, इससे पहले ही बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।